पंचेड़ जिला रतलाम मध्य प्रदेश पर धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा महोत्सव। आश्रम में उमड़ा जन सैलाब। नामली के निकट स्थित संत श्री आसाराम जी आश्रम पंचेड़ पर गुरु पूर्णिमा का महापर्व भक्तों के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सुदूर क्षेत्रों से भक्तों का आना जाना दो दिन पूर्व से ही जारी था। इस वर्ष आश्रम में आने वाले भक्तों की संख्या गत वर्षों की तुलना में कई गुना थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आश्रम में इस वर्ष जन सैलाब उमड़ पड़ा हो। सुबह सर्वप्रथम श्री आसारामाइट जी का सामूहिक संगीतमय पाठ किया गया। तत्पश्चात श्री पादुका पूजन का कार्यक्रम हुआ एवं आश्रम के द्वारा होने वाले सेवा कार्यों की झलकियां दिखाई गईं। तत्पश्चात ऋषि प्रसाद की विशिष्ट सेवा करने वाले सेवाधारियों का आश्रम के द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। फिर भजन कीर्तन पर भक्त खूब नाचे झूमे तथा वीडियो सत्संग का लाभ लिया। अंत में आरती के उपरांत भंडारे का सुंदर आयोजन किया गया जिसमें लगभग 15,000 से अधिक भक्तों ने महाप्रसादी का आनंद लिया। समाचार लिखे जाने तक भक्तों का आना जाना जारी था। गुरु जी ने कहा बस करने का अवसर मिला है क्यों छोड़े। तो छठ पांचवा है अपेक्षा रहे गुरु की सेवा गुरु की आज्ञा मान के वो कार्य पूरा करे। छठी बात है कि मानसिक पूजा करें। ये तो मैं अभी सुन रहा हूं मैं पहले से कर लिया था। मन ही मन गुरु जी को नहलाते पहुंचते निभाते मानसिक सेवा सरस्वती एक तो गुरु भक्ति योग का अभ्यास दृढ़ रुचि करके वो पुस्तक पढ़े गुरु भक्ति योग। दूसरा सदगुरु के विचार शब्दों और कर्मों में परम श्रद्धा रखे। तीसरा गुरु के आदेश को कार्यान्वित करने की पूरी चेष्टा करे। चौथी बात तो गुरु का आदेश मिला और मैंने उनको चाइना पीक दिखा दिया पूरी चेष्टा करिए। तो ये अभी मेरे पास आया ग्रंथ की बात लेकिन ऐसा हो गया तो बदले में मुझे वो मिल गया कि मेरी गुरु की आज्ञा मान के तुमको ले गया तो अब उसकी कुदरत आ क्या मानेगी तो बरसात कर देती है कुदरत क्या क्या हो जाता है। हरिम परम कभी नमामि हरिम।